याद की। अबू भैया, पौआ का जुगाड़ हो गया, जल्दी खत्म करके आ जा। प्यार से पुकार लो जहां। मम्मी, मुझे लड़की वाले देखने आए थे, क्या बोला उन्होंने? बोल रहे थे लड़का हमें पसंद नहीं है। तो फिर आपने क्या बोला? मैंने बोला पसंद तो हमें भी नहीं है, तो क्या घर से निकाल दें? यार मतलब हर जगह बेइज्जती। मैंने ना घर छोड़ के। अरे तुम्हारे बाप का घर है क्या जो इतना मजे में खा रहे हो? बाप के नहीं के, ससुर जी के। दहेज समझ के खाता नहीं, तोरा कोनो दिक्कत? भिखारी कहीं के, तुम खुद यहाँ से निकलते हो या मैं तुम्हें घसीट के बाहर निकलवाऊं? अरे केकरा से बात कर भैया? आज मैं बस से आ रहा था, अब बस में एक भाभी जी मुझे मिली। वो पूछने लगी कि भैया तुम कहाँ के हो? मैंने कहा भाभी अब मेरी शादी हो चुकी है, मैं कहीं का नहीं रहा। बर्बाद हो गया। सुनो, हमारी शादी को 10 साल हो गए ना, पता ही नहीं चला। अच्छा ये बताओ, जब तुम मुझे शादी करके लेकर आए थे तो तुम्हें कैसा लगा था? अबे ये क्या कबाड़ उठा लाया मैं? क्या कर रहे हो? अरे बस पटाखों की लिस्ट बना रहा था। पटाखों की लिस्ट मुझे दिखाओ। अरे पटाखों की लिस्ट क्या देखेगी? अरे दिखाओ ना। सुनीता, कविता, अरे ये तो सिर्फ फुलझड़ियों की लिस्ट है। चलो अब मेरे पटाखों की लिस्ट बनाओ। नरेश, सुरेश, महेश, लिखो लिखो मेरे पटाखों के नाम, लिखो लिखो लिखो। तू उधर क्या बोल रहा था? अगर तेरा दिमाग गर्म होगा तो तू क्या कर लेगा? नहीं, मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। पैसों से इंसान में घमंड आ जाता है, इसीलिए हम नहीं कमाते। तौलिया देख के नहाने वाला समझे क्या? हाथ मुंह धोऊंगा मैं।